अस्सलामुअलैकुम। एक सवाल आया हुआ था सूरह निसा आयत नंबर 150, तो मैं इसकी 150 151 दोनों कर देता हूँ। यहाँ इस वक्त मेरे पास हाफिज नजर अहमद वाला तर्जुमा है, पहले मैं इनका तर्जुमा बता दूंगा, फिर जो मेरी फहम उसका तर्जुमा बताता हूँ, और उसके बाद आज के दौर में किस तरह काबिल अमल है इसकी भी वजाहत कर दूंगा। फोर की 150 और 151। बेशक जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह का और उसके रसूलों का और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क निकालें और कहते हैं कि हम बाज़ को मानते हैं और बाज़ को नहीं मानते और वो चाहते हैं कि उसके दरमियान निकालें एक राह, यही लोग असल काफिर हैं और हमने काफिरों के लिए ज़िल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। तो ये शुरुआती तर्जुमे से भी बात गो के बहुत वाज़ह है कि इसमें काफिर की पहचान बताई गई कि जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह का और उसके रसूल का और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान फ़र्क निकाल देने, जो अल्लाह और रसूल के दरमियान फ़र्क करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम बाज़ को मानते हैं और बाज़ को नहीं मानते और वो चाहते हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें, तो दरअसल यही लोग असल काफिर हैं और इनके लिए जो है वो ज़िल्लत की सज़ा तैयार रखा है। अब देखिए बात क्या है, इसको अच्छी तरह से समझ लें कि ये अल्लाह और रसूल कौन है जिसमें फ़र्क किया जा रहा है। इन्नल लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रसूलिही, बेशक जिन लोगों ने इनकार किया, बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं अल्लाह का और उसके पैगाम देने वाले का, व युरीदूना और वो इरादा रखते हैं, अन युफर्रकू ये कि वो फ़र्क कर दें, बैनल्लाहि व रसूलिही अल्लाह और उसके पैगाम देने वाले के दरमियान, व यकूलूना और वो ये कहते हैं, नुमनु बिबाज़िन व नकफुरु बिबाज़ कि हम बाज़ को मानते हैं और बाज़ का इनकार करते हैं, व युरीदूना और वो इरादा रखते हैं, अन यत्तखिज़ू ये कि वो पकड़ लें, बैना ज़ालिका उसी के दरमियान सबीला एक रास्ता, उलाइका हुमुल काफिरून हक़्क़ा तो यही लोग हैं वही हकीकत में इनकार करने वाले हैं, वही असल इनकार करने वाले हैं, वो सच्चे इनकार करने वाले हैं, व अतदना और हमने तैयार रखा है, लिल काफिरीना इनकार करने वालों के लिए, अजाब मुहिना ज़िल्लत वाली सज़ा। तो मैं एक बार इसका रवा तर्जुमा कर पढ़ देता हूँ फिर बताता हूँ कि बेशक जो लोग अल्लाह और उसके पैगाम देने वाले के ज़रिए इनकार करते हैं और वो इरादा रखते हैं कि वो अल्लाह और उसके पैगाम देने वाले के ज़रिए उनके दरमियान फ़र्क कर दें और वो ये कहते हैं कि हमने बाज़ को माना और हमने बाज़ का इनकार किया और वो ये इरादा रखते हैं ये कि वो उसी के दरमियान एक रास्ता पकड़ लें, तो यही लोग वही हकीकी काफिर हैं, वही हकीकी इनकार करने वाले हैं, वही सच्चे इनकार करने वालों में से हैं और हमने इनकार करने वालों के लिए ज़िल्लत वाली सज़ा तैयार रखा है। अब आज भी आप देख लें कि जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह का उसके पैगाम देने वाले के ज़रिए, तो अल्लाह का पैगाम कौन दे रहा है? कोई भी शख्स जो अल्लाह का पैगाम बता रहा है लेकिन वो अल्लाह की किताब से बता रहा हो, क्योंकि ये ही ज़मीर जा रहा है अल्लाह की तरफ, अल्लाह की किताब, अल्लाह के कलाम की तरफ, तो अल्लाह का उसके पैगाम देने वालों के ज़रिए, रसूल ही जमा का सीगा है, तो कोई भी शख्स जो भी पैगाम दे रहा हो, और ये इसीलिए जमा का सीगा कि मुतअद्दिद जगह लोग पैगाम दे रहे हैं, तो जो लोग भी अल्लाह का उसके पैगाम देने वालों के ज़रिए इनकार करते हैं और वो ये इरादा रखते हैं कि अल्लाह और उसके पैगाम देने वालों के दरमियान जो वो फ़र्क कर दें, तो दरअसल अल्लाह और पैगाम देने वालों के दरमियान फ़र्क कैसे होगा कि जब ये कह दे कि जी अल्लाह की बात तो कुरान है और रसूल की बात जो है वो अब हदीस है, ये अल्लाह और रसूल के दरमियान फ़र्क डाल दिया आपने, तो अल्लाह इसी से तो मना कर रहा है कि ये लोग जो इरादा रखते हैं कि वो अल्लाह और उसके पैगाम देने वालों के ज़रिए वो फ़र्क कर दें, उनके पैगाम देने वालों के दरमियान फ़र्क कर दें, तो वो उनका कहना क्या होता है कि वो ये कहते हैं कि हमने बाज़ को माना और हम बाज़ का इनकार करते हैं, यानी वो कहते हैं कि कुछ बातें तो ठीक है हम कुरान के मान लेते हैं लेकिन बाकी बातें ये हम भी आ रही हदीस के ज़रिए मिला कर करो, चाहे वो साया सित्ता हो, साया अरबा हो, या कोई भी हदीस हो, कुछ भी हो, किसी के नाम पर भी जहाँ अल्लाह के कलाम में गैर अल्लाह के कलाम की मिलावट आती है तो वो रसूल के नाम पर ही देते हैं कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत ये है, अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया था, हालाँकि अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया इसका कोई सबूत नहीं है सवाए उनकी लफाजी है, अल्लाह का रसूल अल्लाह के पैगाम के खिलाफ कैसे जा सकता है कि अल्लाह ने कहा कि मेरे कलाम के अलावा भी कोई और हिदायत की किताब है, अल्लाह ने कुरान को हुदल्लिन्नास कहा है, बाकी को नहीं कहा है, और ना बाकी किताबें अल्लाह के रसूल ने दी, अल्लाह के रसूल ने तो अल्लाह की किताब दे दी, उसके बाद तो उन्होंने कोई किताब नहीं दिया, ये तो सब इल्ज़ाम तराशी है। तो जो लोग अल्लाह और उसके पैगाम देने वालों के दरमियान फ़र्क करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमने बाज़ को मान लिया और बाज़ का इनकार करते हैं, तो दरअसल वो लोग जो इरादा रखते हैं कि वो उसके दरमियान के एक रास्ता कोई पकड़ लें, दरमियानी रास्ता क्या है कि अच्छा जी ठीक है अकीमुस्सलात तो कुरान में है लेकिन अब किस तरह करना वो हम बुखारी से ले लें, तो ये दरमियान का रास्ता निकाल के नमाज़ पढ़ाना शुरू कर दिया, उससे नतीजा क्या निकला कि जो सलात के नताइज थे उससे महरूम हो गए,
सलाद की वजह से जो माशरा कायम होता वो ख़त्म हो गया। आज मुस्लिम दुनिया माशी बदहाली का शिकार है, माशरती तहजीब नहीं है, हर तरह से बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। ना अखलाक है, ना तरबियत है, ना माश है, ना माशरत है। तो दरअसल यही लोग जो हैं वो सच्चे इनकार करने वाले हैं, हकीकी काफिर हैं। तो अल्लाह कह रहा है ऐसे इनकार करने वालों के लिए हमने जिल्लत की सज़ा तैयार रखी है। देख ले जिल्लत की सज़ा, आज दुनिया भर में मुसलमान ही जलील ख़ार हो रहा है। किस लिए? इसलिए कि वो अल्लाह को मानने का दावा भी करता है और अल्लाह और उसके पैगाम देने वाले के दरमियान फ़र्क भी करता है। तो जब अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान फ़र्क कर देंगे तो इनकार करने वाले तो आप ही हो गए, काफिर आप हो गए। तो काफिरों के लिए ये जिल्लत वाली सज़ा है और वो जिल्लत वाली सज़ा भुगत रहे हैं, क्योंकि कुरान के मुताबिक आप मुसलमान नहीं हैं, आप मुस्लिम नहीं हैं। कुरान जो मुसलमान के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता है, वो मुस्लिम और मोमिन कहता है। तो ना आप मोमिन हैं ना मुस्लिम हैं कुरान के मुताबिक, इसलिए जिल्लत वाली सज़ा भुगत रहे हैं और ऐसा ही भुगतते रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम।